Welcome my dear students. In this video we discuss the types of real time system. Real time system के दो types रहते हैं, एक hard real time system और दूसरा है soft real time system. पहला हम देखेंगे hard real time system क्या होता है. This hard real time system is strictly follow the time deadlines. Missing this deadline may result in permanent data loss and other irrecoverable damage. It emphasizes on a principle, a late answer is wrong answer. These are most automatic and do not contain human in their working. For example, ABS system is in automobile. Hard real time system ये सबसे accurate representation होती है. इसमें hardware का कम से कम काम रहता है, पूरा पूरा time dependable रहता है, time की deadline पे काम रहता है. अगर data थोड़े से deadline तक नहीं आया, data missing होगा तो permanent data का permanent loss भी हो सकता है, जो इरिवर्केबल, जो रिकवर भी हो नहीं सकता, परमानेंट डैमेज हो सकता है. और अगर आंसर आपका लेट आया है, लेट आंसर विल बी कंसिडर एज रॉन्ग आंसर. वो लेट आंसर आया तो उसको रॉन्ग आंसर भी कंसिडर किए करते हैं. और जिसका अगर हार्ड रियल टाइम सिस्टम का अगर एग्जांपल देखा जाए तो अपनी बाइक सिस्टम में, ऑटोमोबाइल में ईबीएस सिस्टम आ गया है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो जो कि एग्जाम्पल है हार्ड रियल टाइम सिस्टम का. ओके, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. फॉर दो सिस्टम द टाइम डेडलाइंस आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट. यहाँ पे जो टाइम डेडलाइन की स्ट्रिक्टनेस है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, ये कम है. क्वालिटी ऑफ सर्विस इज एम्फेसाइज, सर्विस की क्वालिटी यहाँ पे बढ़ा दी है. इफ मिसिंग डेडलाइन इज विदिन द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इट इज एक्सेप्टेबल. अभी यहाँ पे कैसा है कि भाई मिसिंग डेडलाइन अगर QoS के अंदर है, दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर हो, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है. A late answer is acceptable, but it could have done bit faster. Late answer acceptable hai, but it could have done bit faster. Ko thoda fast hona chahiye. The system mostly involve the human in their working. Aur isme pura ka pura system based pe nahi hai, kuch na kuch human based bhi hai. Human ka kaam bhi wahan pe hai. Human bhi kuch na kuch task perform karta hai. Aur agar सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का अगर एग्जांपल देखा जाए तो ATM इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. तो ये रियल टाइम सिस्टम के दो अलग अलग टाइप्स है, एक हार्ड और दूसरा सॉफ्ट. हार्ड में कैसा है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, मैनुअल का हार्डवेयर का कुछ भी काम नहीं है. और अगर थोड़ा सा बिल्ड हो गया तो डेटा पूरा करप्ट हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और सॉफ्टवेयर कैसा है, थोड़ा वैल्यूएबल है, थोड़ा हार्ड सॉफ्टवेयर जो है ठीक है. तो यहाँ पे टाइम की डेडलाइन कम से कम है, टाइम की डेडलाइन ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम. बट यहाँ पे QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर अगर कोई भी होगा तो उसको एक्सेप्टेबल किया जाता है. तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग. थैंक यू वेरी मच.